जो ट्रैफिक वाले है ना, हमारी गाड़ी उधर देखो कितनी गाड़ी लगी है, हमारी गाड़ी लेके फटाफट चले गए और बोलते पैसे निकालो, हमें 2000 रुपया लेके गए अभी हमारे से, और छोटे छोटे बच्चे इसको इंजेक्शन लगवाने आए। कोई रिलैक्सेशन आपकी तरफ से नहीं है? रिलैक्सेशन क्या, तो 2-4-5 मिनट के लिए कोई हो, किसी ने कोई सामान जहाँ से लेना है तो वो 5 मिनट के लिए हम कर सकते हैं। ये गाड़ी 2 बजे की लगी है, ये गाड़ी नहीं, जो हमने लिफ्ट कराई है, जैसे कह रहे हैं ये लगी है कि हम 2 मिनट के लिए बोल रहे हैं ना उस टाइम की, आओ अपनी गाड़ी यहाँ से साइड ले जाओ, अब यहाँ पे आकर टंकी कर रहे हो। ये रंग पार्किंग में है, जिसको चालान किया हमने, कितनी गाड़ी लगी पीछे उसको भी उठाओ। कोई ऐसी व्यवस्था है यहाँ पर, यहाँ पर जो पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है, पार्किंग की नहीं। ट्रैफिक विभाग पर कई बार प्रश्न उठते हैं और क्या करें, क्योंकि ट्रैफिक की इतनी है, ऐसे कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक वालों को कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पर परेड के अंदर हूँ मैं और यहाँ पर कुछ एलिगेशंस लोग लगा रहे हैं, इन्होंने कहीं गाड़ी लगाई होगी, कहाँ क्या हुआ? जो ट्रैफिक वाले है ना, हमारी गाड़ी उधर देखो कितनी गाड़ी लगी है, हमारी गाड़ी लेके फटाफट चले गए और बोलते पैसे निकालो, हमें 2000 रुपया लेके गए अभी हमारे से, और छोटे छोटे बच्चे इसको इंजेक्शन लगवाने आए। देखे छोटे छोटे बच्चे, आपकी गाड़ी मतलब आपने लगाई कहाँ पहले ये तो बताएं? पार्किंग के अंदर लगाई थी, वहाँ पे पार्किंग लिखा हुआ है, वही लगाई थी गाड़ी, हम भी पढ़े लिखे, 2000 फाइन भी किया, गाड़ी भी ले गए, अपनी मर्जी से ले गए। तो अभी क्या कह रहे हैं? अभी पता नहीं क्या कह रहे हैं, उधर चली जाएगी गाड़ी तो शायद ना मिले, हम रास्ते में रोक लेते हैं। नहीं, हम ये वो जगह देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी गाड़ी थी। ए बे, आपको यहाँ पर ये जो जगह है वो हम देखना चाहेंगे कि आखिर कहाँ पर थे, क्योंकि वैसे मैं आपको बताऊँ कि इलीगल जगह पे अगर लोग गाड़ी लगाएंगे तो ट्रैफिक वालों का जो काम है वो ट्रैफिक वालों को करना ही पड़ेगा। ऐसे में लोग भी परेशान होते हैं क्योंकि ट्रैफिक को अब गाड़ियां लगाने के लिए जगह भी नहीं है और ऐसे में ट्रैफिक जो है वो बढ़ जाता है। अगर आप थोड़ी सी भी रोड से साइड पे गाड़ी लगाएंगे तो फिर परेशानी है। लेकिन ये जगह जो है वो हम देखते हैं आखिर कहां पर इन्होंने गाड़ी लगाई और कहां से ट्रैफिक वालों ने उठाकर उसे लिया है। कहां लगाई थी? हमने लगी थी गाड़ी, देखो कितनी गाड़ी लगी है इधर, परेशान कर दिया उन्होंने, बच्चे को इंजेक्शन लगा वो भी रो रहा है। गाड़ी मतलब आपने जैसे ये गाड़ी इस तरफ की गाड़ी देखा, ये गाड़ी यहाँ पे ये लगी है, इस तरह से गाड़ी लगाई? हाँ इधर ही लगाई थी, इधर ही। हाँ इधर देखो कितनी गाड़ी लगी है, देखो। अच्छा, इधर तक पूरे गाड़ियाँ लगी थी। तो ये यहाँ पर गाड़ी एक मैं एक बोर्ड देखें आप, यहाँ पर पहले ही बोर्ड लगाया गया है, ट्रैफिक पुलिस नो पार्किंग और 5000 रुपये फाइन। लेकिन अब गाड़ियां जो हैं ये देखें यहाँ पर, और ये देखें ट्रैफिक वाले यहाँ पर चलान कर रहे हैं, और हमें लगता है कि चलान करना लाजमी है। ये आपकी गाड़ी नहीं, इससे पहले सुबह कितनी गाड़ी, तब कितने चलान भरा? ये इधर मतलब जहाँ पर इस साइड यानी कि इस बोर्ड के सामने जो भी गाड़ी लगेगी उसको चलान होगा। अच्छा, बिल्कुल। ये रंग पार्किंग में है, जिसको चलान किया हमने। कोई ऐसी व्यवस्था है यहाँ पर जो पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है, पार्किंग की नहीं है। कोई रिलैक्सेशन आपकी तरफ से नहीं है? रिलैक्सेशन क्या, तो 2-4-5 मिनट के लिए कोई हो, किसी ने कोई सामान जहाँ से लेना है तो वो 5 मिनट के लिए हम कर सकते हैं। ये गाड़ी 2 बजे की लगी है, ये गाड़ी नहीं, जो हमने लिफ्ट कराई है। नहीं, आपकी गाड़ी 2 बजे नहीं, 2 बजे से लगी है आपकी गाड़ी? नहीं, जितनी मर्जी से कह रही है ये लगी है कि हम 2 मिनट के लिए बोल रहे हैं ना उस टाइम की, आओ अपनी गाड़ी यहाँ से साइड ले जाओ, अब यहाँ पे आकर टंकी कर रहे हो। तो ये मतलब 2 बजे से गाड़ी लग रही है, हमें लग रहा है कि पार्किंग का जब तक सोल्यूशन नहीं निकलता तब तक यहाँ ऐसे लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। एक है नीचे, हम देखें बस स्टैंड मल्टी, नहीं इसका फाइन किया ना? फाइन किया है इस गाड़ी को, फाइन किया गया है। और हमें लगता है कि ये कितनी गाड़ी लगी पीछे उसको भी उठाओ। अच्छा, मतलब ये आपकी गाड़ी ले गए, उठा के इनके लिए उठा रहे? नहीं, हमारी गाड़ी ले गए, कभी किया नहीं, कब दिया, फिर इसको भी उठाना चाहिए। ये एक सामने देखा ना उसको,
नहीं ये ठीक कह रहे हैं कि एक गाड़ी उठा ली, ट्रैफिक वाले ने गाड़ी उठाई, क्रेन ने उठाई उठी थी, इन्होंने बोला उतार दो, तभी तभी ले गए उठा के। ये एक समस्या है, हम चाहेंगे। नहीं सर एक बात समझ नहीं आई, इनकी गाड़ी आपने लिफ्ट कर ली लेकिन बाकी बाकी ये गाड़ी आपने क्यों लिफ्ट नहीं की? जी इनसे पूछ लीजिए, ये दुकानदार है, इन्होंने सबसे पूछा है, हमें आके पूछा है कि भाई साहब गाड़ी किसी की है, आधा घंटा ये वेट करते रहे हैं, कोई नहीं आया, इनको लगा ये भी मूवमेंट है तो गाड़ी रोड तो क्लियर चाहिए। अच्छा नहीं मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ ये इसे वो वाली इसीलिए लिफ्ट की आपने और बाकी वाली गाड़ियाँ छोड़ी हैं यहाँ पर? नहीं कोई छोड़ी, ये गाड़ी एक लगी, जैसे गाड़ी हम आए ये गाड़ी वाला बंदा पहुँच गया उधर मौके पे, हमने इसको वही फाइन कर दिया, इसका काफ़ी देर का कोई नहीं पहुँचा, हमने क्रेन को लिफ्ट करा दिए। अच्छा स्पॉट पर अगर कोई आ जाता है मौके पर तो हम उसको मौके पर फाइन कर देते हैं जिसे फैंसी में होता है, तो अगर कोई नहीं आता है काफ़ी देर तक गाड़ी लगे फिर उसको हम लिफ्ट करा देते हैं, क्योंकि जहाँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम काफ़ी रहती है, जामी हो जाती है। मतलब आप आधा घंटा समय देते हैं? आधा घंटा नहीं है, 5-10 मिनट हो सकता है, इतना आधे घंटे बोर्ड लगे हर जगह, चौक बोर्ड लगे हैं, ट्रैफिक के बोर्ड लगे हैं, एक बार देख लें। अब ट्रैफिक को कंट्रोल करना ट्रैफिक वालों की जिम्मेदारी, ऐसे में जाम लगता है तो प्रश्न ट्रैफिक वालों से उठता है, लेकिन ये देखें ये बोर्ड लगे हुए हैं, इसके अलावा सामने मेटाडोर स्टैंड लिखा हुआ है, उससे अंदर मेटाडोर ही जो हैं वो लगेंगी। नहीं ये कितने का फाइन किया इन्होंने आपको? 2000 का किया इन्होंने फाइन, हम इधर कोई 10-15 मिनट के लिए गाड़ी लगाई और ये सामान पकड़ा हाथ में, बस 2000 का ये नहीं होगा, 2000 फाइन लेके चले गए हमारे से, और बच्चे को शूज भी देखो गाड़ी में ही है, बच्चों के शूज भी गाड़ी में। बच्चा जो है छोटा सा बच्चा है और ये नंगे पांव यहाँ पर खड़ा है बीच रोड में, थोड़ा सा अगर आप जूम करके थोड़ा दूर से हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे तो ये देखें बच्चा जो है नंगे पांव खड़ा है, तो हम क्या समझें अगर लोगों को इधर गाड़ी चाहे तो पार्किंग एरिया फिर कोई भी नहीं होनी चाहिए, है ना? नहीं ऐसे में अगर जैसे आज आपको फाइन हुआ है तो बाद में आप इस मार्केट में आएंगे? कभी नहीं आएंगे, हम 2000 का सामान नहीं लिया, वो सांबा से आए हैं और 1000 का तेल लगा दिया, 2000 फाइन भर दिया, 2000 के शॉपिंग नहीं की हमने, तो बच्चों की क्या हालत कर दी हमने इधर आके, है ना? ये देखें छोटा सा बच्चा बेचारा, वो देखिए छोटा सा नन्ना सा बच्चा है और ये एक बच्चा खड़ा हुआ है, तो ये बहुत मतलब चिंता का विषय है कि करें तो करें क्या, लेकिन पार्किंग की समस्या है जिसके कारण यहाँ पर लोग काफ़ी क्रोधित हो रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमारी गाड़ी उठा रही, कुछ कह रहे हैं इनकी नहीं उठा रहे हैं, ऐसे में किया क्या जाए? ये देखें आप यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस का एक बोर्ड लगा हुआ है, इस पर लिखा है कि अगर आप यहाँ गाड़ी लगाएंगे तो आपको 5000 रुपये फ़ाइन होगा। लोग मैं एक पूछूं कि लोग गाड़ियाँ लगाएं कहाँ, और ऐसे में दुकानदार भी यहाँ पर बहुत इरिटेट हो रहे हैं, क्योंकि दुकानदार कहते हैं कि यहाँ कस्टमर बड़ी मुश्किल से आते हैं, ऊपर से उनको 2000-5000 का फ़ाइन कर देंगे, तो ये एक बड़ी समस्या है। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि ये कह रहे हैं कि अगर आपको यहाँ पर फाइन करवाना है तो यहाँ पेमेंट देनी है तो आपको 2000 रुपये देने हैं, नहीं तो आपको कोर्ट में जाकर 7000 देने होंगे, तो फिर लोग डरे हुए बेचारे 2000 दे दे, 2000 कमाएंगे कहाँ से? ये एक बड़ी परेशानी है, इसका सल्यूशन मुझे लगता है कि सल्यूशन जो है वो निकालना ही चाहिए, और दुकानदार भी इससे इरीटेड हैं, लोग भी इरीटेड हैं और ट्रैफिक वाले भी इरीटेड हैं, तो सल्यूशन है क्या? तो बाकी आप लोग देखते रहे दैनिक शहर समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दो इजाज़त, नमस्कार।